गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास फर्स्ट ईयर। आज का टॉपिक है बलिदान कहानी का उद्देश्य। देखिए, हमने बताया था कि तीसरी कॉपी में आपको शुरू में कहानी लिखनी है, पहली कहानी। दोनों पार्ट में आधा आधा करके दोनों लिखा दिया है, कहानी पूरी हो गई। इसी का एक भाग आता है अथवा में उद्देश्य, चाहे सारांश लिखो चाहे उद्देश्य लिखो। तो उद्देश्य लिखाने जा रहे हैं, ये भी आपको लिखना है हेडिंग डालकर। देखिए ध्यान से, बलिदान कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, फिर उत्तर बलिदान कहानी का उद्देश्य। अब देखिए ध्यान से, बलिदान कहानी प्रेमचंद की बहुचर्चित कहानियों में से एक है। इस कहानी के माध्यम से उन्होंने जमींदारों के अन्याय और कृषकों की पीड़ा का सजीव चित्रण प्रस्तुत किया है। एक छोटे कलेवर की इस कहानी में सीमित पात्रों एवं घटनाओं के द्वारा उन्होंने तत्कालीन जमींदारी प्रथा का प्रभावशाली चित्र प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने अपने उद्देश्य को यथार्थवादी दृष्टि से प्रस्तुत किया है। यह कहानी कृषक परिवार के सेवा, त्याग और समर्पण की भावना की पोषक है। इसके माध्यम से लेखक शोषित और शोषक वर्ग की भावना से जन सामान्य को अवगत करा रहा है। शोषित दिन रात मेहनत करते हैं, परंतु अपने लिए नहीं, शोषक के लिए। अंत में अपने शरीर का बलिदान भी उसी के लिए कर देते हैं। इस कहानी का मूल उद्देश्य जमींदार, कृषक और श्रमिक तीनों के बीच के दारुण संबंधों को जन सामान्य के सम्मुख स्पष्ट करना है। निष्कर्ष रूप में कहानी कला के उद्देश्य तत्व की दृष्टि से बलिदान प्रेमचंद की सफल कहानी है। अब आपका ये चैप्टर पूरा हो गया। अब इसके बाद आपको आधे में निबंध दिखाएंगे। एक कहानी आपकी, इसको कंप्लीट कर लेना दोनों भाग।